कितना एंजॉय कर रहे हैं सफर को। आइडिया तो सबका था और पहले से ही हमने डिसाइड किया था कि कभी ना कभी हम ये करेंगे, क्योंकि हम तीनों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी हम दिल्ली जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ बाय फ्लाइट जाना है तो इंस्टेड हम ट्रेन बाय ट्रेन जाएंगे। और बहुत प्रेपरेशन किया है हमने आज के लिए, खाने का, म्यूज़िक, जूस, और आज का स्पेशल बेडिंग भी है। आज का स्पेशल आइटम है इम्तियाज, दो घंटे में ट्रेन के ऊपर चहिया चहिया करने वाले। करेक्ट, और उसके लिए हमने स्पेशल स्पीकर ये ऑर्गेनाइज किया है। इम्तियाज आप अच्छे डांसर है, हमें पता ही नहीं था यार रणवीर कह रहे हैं कि आप डांस करने वाले। मेरे जलवे अभी मैंने जाहिर नहीं किया इस दुनिया के ऊपर, मैं धीरे धीरे एक एक करके ना अपने पत्ते खोल रहा हूँ। करेक्ट, मैंने ही सिखाया था। हाँ मैडम सिखा रही हैं, धीरे धीरे वो पत्ते खोलना है। अच्छा रणवीर, दीपिका आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने आखिरी बार कब ट्रेन का सफर किया था और पहले स्टारडम से पहले कितना एंजॉय करते थे ट्रेन में सफर करना, अगर कुछ हमें बता पाए तो। मैं एक ही बार गया था ट्रेन में, जब मैं फुटबॉल खेलने गया था देवलाली, एक एंग्लो इंडियन कॉम्पिटिशन था, कुछ 18 दोस्त थे, सब साथ गए थे, कुछ 8 घंटे का सफर था। उसके बाद जब कॉलेज शुरू हुआ था, मैं HR कॉलेज जाता था, उस टाइम मैंने लोकल ट्रेन में सफर किया, लेकिन पहली बार मैं दिल्ली जा रहा हूँ ट्रेन में। मैं बहुत बहुत घूमी हूँ ट्रेन में। जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल एक्सकर्जन्स के लिए जब हम जाते थे तो हम ट्रेन में ही जाते थे, और फिर जब मैं स्टेट टीम में थी बैडमिंटन के लिए तो हम सब ट्रेन में ही जाते थे। सो फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, बैंगलोर मैसूर, बैंगलोर बॉम्बे, बैंगलोर कैलकटा, बहुत घूमी हूँ मैं ट्रेन में। यार आपकी जो फिल्में होती हैं, पहली फिल्म से अब तक की जितनी भी फिल्में रही हैं, उसमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है एक्टर्स को, आप बहुत अलग अलग लोकेशन पे ले जाते हैं, कहानी जो होती है उसी तरह आप बुनते हैं कि ट्रैवल करें एक्टर्स, किरदार जो हैं, तो इस फिल्म में कितना वो सफ़र जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किरदारों का, और किस तरह से? इस फिल्म में भी बहुत सफ़र है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में जितना भी हमने किया वो भी कम था, और हम लोग हिंदुस्तान के लिए पिक्चर बनाते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को जानना थोड़ा ज़रूरी है, उसकी एक झलक मिलनी चाहिए, तो किसी भी बहाने अगर हम लोग हिंदुस्तान का अच्छा नज़ारा कर पाएँ इस तरह से, बिकॉज आप जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं आपको देश दिखता नहीं है, आपको देश यहाँ दिखता है, तो आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं, एक याददाश्त वापस, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, आपको नई कहानियाँ समझ में आने लगती हैं, आप नई तरह से परफॉर्म करोगे, बिकॉज आपको पता होगा कि किसके लिए कर रहे हो, कौन है जो आपको देख रहा है, उनको भी तो देखना ज़रूरी है। गांधी जी ने भी, आप देखिएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले वो ट्रेन से ट्रैवल करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक दफ़ा देखा था, तो वैसे तो नहीं मगर एक छोटी शुरुआत यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। रॉकस्टार के प्रमोशन कर रहे थे तो इम्तियाज बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे कि हम बस से ट्रैवल करें पंजाब, तो हम लुधियाना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था सर? वायलिन, गिटार, माउथ ऑर्गन था। माउथ ऑर्गन से हम गोल्डन टेंपल गए थे, गोल्डन टेंपल भी अमृतसर गए थे, लुधियाना गए थे, चंडीगढ़ गए थे, तो एक जलंधर गए। बस में जो सफर था उस टाइम भी मीडिया हमारे साथ आई थी तो बहुत मजा किया था, तो अभी हम उसी आइडिया को एक बड़े पैमाने में कर रहे हैं। जैसे कि इम्तियाज ने बताया कि उनके हर फिल्म में सफर काफी ज्यादा करना पड़ता है, इस फिल्म में आप लोगों ने कहाँ कहाँ, आप दोनों का किरदार जो है कहाँ कहाँ सफर करता है? कॉर्सिका, ये हम लोग गए थे, ये कलकत्ता और... से है, मैं शिमला से हूँ, दिल्ली में मिलते हैं हम, कॉर्सिका गए, जापान गए, और बस कलकत्ता, दिल्ली, कॉर्सिका, शिमला और जापान। एक्टर्स के लिए बेस्ट पार्ट होता है कि उन्हें पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, वो भी फ्री। आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, और स्पेशली इम्तियाज के साथ, यू नो आई हैव शॉट फॉर सो मेनी फिल्म्स इन दिल्ली, पर फिर भी जब मैं इम्तियाज के साथ मैं वहाँ शूटिंग करती हूँ तो एक अलग नज़रिए से देखने को मिलता है दिल्ली, और कॉर्सिका जैसा एक आइलैंड जो है, हम दोनों पहले जानते नहीं थे दैट समथिंग लाइक कॉर्सिका एग्जिस्टेड, और फिर वहाँ जाने के बाद फिर पता चला कि
यू नो दैट देयर सच अ ब्यूटीफुल प्लेस ओवर देयर. तो आई थिंक थ्रू द फिल्म्स दैट वी मेक हमको बहुत देखने को मिलता है. जब भी इम्तियाज के साथ काम करते हैं वो हमको इतना कल्चर दिखाता है एक शहर का, यू नो, जो खाना खाने की बात है, लोग की बात है, जहाँ वॉकिंग की बात है, जहाँ भी हम ट्रैवल करते तो वो बहुत ही वो कल्चर से जुड़ाता है हमें. तो आई थिंक वो बहुत यादगार है. जापान में हम सब कैरियोके करने गए थे, कॉर्सिका में यू नो बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत घूमते थे, फुटबॉल मैच सब देखा. कुछ नहीं बता सकते. फुटबॉल मैच देखा सड़क पे, वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, वो देखा, वर्ल्ड कप का फाइनल देखा. और अर्जेंटीना जिस टीम को हम सपोर्ट कर रहे थे वो हार गया. हाँ. और जिस टीम को हम हराना चाह रहे थे यानी कि जर्मनी, वो जीत गया. जब हम जापान गए थे तो एक दिन पैकअप के बाद या स्केड्यूल रैप के बाद हम सब कैरियोके करने गए तो वो मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा क्योंकि मुझे गाने का बहुत गाने का शौक है. जाते जाते आखिरी सवाल कि फिल्म का एक डायलॉग जो आपको पसंद हो और आपको गाना भी गाना पड़ेगा एक डायलॉग. ये फ्रॉड इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि ये बहुत ही सेक्सी और गुड लुकिंग है पर ये अंडर प्ले करते हैं और हमेशा जब लड़कियां आते हैं और सर यू आर सो क्यूट, ओ माय गॉड ही सो हैंडसम. मतलब वो पूरा कितने बार, मैं कितने बार यू नो जब लड़कियां होती है शूट पे और बोलते फोटो 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 तो मैं ऐसा पोज कर रहा हूँ और वो मुझे कैमरा दे देते हैं और फिर जाके इनके साथ खड़े हो जाते हैं. कितनी बार ऐसा हुआ, इन्होंने ठान लिया कि आपकी खिंचाई आज कर रहे. बिल्कुल बिल्कुल खिंचाई कर रहे पूरे देश के सामने. देखिए ये इज्जत करते हैं ये लोग. ये सच है, हमने हमने वादा किया था इस तरह से इज्जत करते हैं डायरेक्टर के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे. आपको पता है ना इन्होंने क्या वादा किया था फिल्म में? पता है मिलिंद सोमन इतना बड़ा मॉडल क्यों था? क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉडलिंग नहीं की. करेक्ट.